अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग आउट देयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ और ये ब्यूटीफुल डेज के साथ आपके साथ आ चुकी हूँ। आज मैं जा रही हूँ एक ब्यूटीफुल सी प्लेस जो मेरी सिस्टर ने सजेस्ट की है और कहा है कि ये प्लेस को कहा जाता है मिनी दुबई। तो हम चेक करते हैं कैसी जगह है। और आज फ्राइडे का दिन है और आज हमने सोचा कि थोड़ा सा सिस्टर्स टाइम भी कर ले, क्योंकि बहुत टाइम से हम अकेले बाहर नहीं निकले थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ फैमिली के साथ जाते थे। तो आज हम जा रहे हैं सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर और बहुत सारा फन होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द व्लॉग। यहाँ पे आपको अपने ईयर्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो मैंने पियर्सिंग करवाई है ऊपर की तरफ, एंड आई एम लविंग इट। तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ। मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ अपने ईयर पियर्स, लेकिन ये नया नया पियर्स हुआ हुआ है तो थोड़ा पेन भी है, लेकिन इट लुक्स रियली नाइस। सो या वी आर स्टिल ऑन द वे टू go to mini Dubai। Look at this beauty, oh my god, I cannot believe this is Pakistan। और मुझे लगता था ये सिर्फ कैनेडा में है या अब्रॉड में इतनी ब्यूटी है या इस तरह से मेंटेनेंस, नेचर की मेंटेनेंस यू नो होती है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान भी इतना खूबसूरत हो सकता है, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट। क्योंकि यू नो चाहे आप बाहर की कंट्री में जितना भी इंजॉय कर लें, लेकिन दिल पाकिस्तानी है। तो जब पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा होता है या पाकिस्तान में कुछ अच्छा होता है तो बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है और बहुत प्राउड फीलिंग आती है कि हम लोग भी दूसरों को कह सकते हैं कि यू नो व्हाट, पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल। फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं और देखते हैं हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। वैसे तो बड़ा सन्नाटा है, लेकिन वाकई में जब मैं यहाँ पे एंटर हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा दुबई वाली फील आई। आई थिंक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह की जो वाइब है वो दुबई वाली है। सो चलते हैं, देखते हैं मिनी दुबई कैसा है। तो हम जा रहे हैं अब दूसरी साइड पर, क्योंकि ये साइड बहुत कॉर्नर था। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि हम चलते हैं दूसरे कॉर्नर में, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल सा है व्यू। सो यू गाइस कैन सी आई एम लविंग इट, आई लाइक ब्यूटीफुल प्लेसेस। और लुक एट दिस, एंड वाकई में बिकॉज आई लिव्ड इन दुबई फॉर सम टाइम, तकरीबन एक साल में रही हूँ, तो बिल्कुल वाकई में ऐसी फील आ रही है कि जैसे मैं दुबई आ गई हूँ। बस यही है कि वेदर थोड़ा सा यहाँ का ज़्यादा अच्छा है, वहाँ का थोड़ा सा गर्मी सी फील होती है ज़्यादा। तो मीट मी इन पेरिस में क्या है, चलो मेन्यू देखते हैं। और अब हम आए हैं तो हमें भूख लग रही है, तो डिसाइड कर रहे हैं हम कि क्या खाएं, क्योंकि मेनली ये जगह जो है यहाँ पे ज़्यादातर फूड एरिया है, थोड़ा सा लोग आते हैं खाना इंजॉय करते हैं। तो क्या खाएं देखते हैं, कुछ अच्छा सा खाने को। मुझे पीएफ चेक खाना है, आई नो इट्स नॉट द राइट टाइम, ये अभी अर्ली मतलब अर्ली आफ्टरनून कह सकते हैं हो रहा है। और क्या खाएं, क्या खाएं, एक्सपेक्टेशन नाश्ते के लिए ये देख लो, वरना फिर मीट मी इन पेरिस देखते हैं। हाँ चलो देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स चेक द मेन्यू एंड देन डिसाइड। वाटरफॉल बंद किया हुआ है वो रात में, यू मीन फाउंटेन राइट, not the waterfall, I'm sure। If you guys can see purple trees, I love it। Oh, मुझे colorful trees बहुत पसंद है। अब बताओ meet me in Paris का search करो पहले, वहाँ चलते हैं वरना। हाँ मेन्यू कार्ड देखो और फिर डिसाइड करते हैं। चलो अब हम मेन्यू डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ खाना है और फिर वापस आपके साथ आते हैं। क्या करना है, चलो फिर यहीं चलते हैं। यहीं चलना है, यहाँ रश भी लग रहा है वैसे, लोग हैं।
ओके चलो लेट्स गो। हमें पता भी है इसमें से क्या खाना चाहिए। यहाँ पे हम करेंगे अपने आप को थोड़ा सा फिक्स। वैसे तो मैं फिक्स हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो आई नीड टू डू अ टच अप बट या लेट्स गो। आई थिंक वी आर हंग्री एंड वी नीड टू हैव सम फूड। मुझे इतनी भूख नहीं लग रही क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया था, और यहाँ पे मेरी सिस्टर को बहुत भूख लग रही है और वो ज़्यादातर भूखी रहती है देर तक। तो इट्स अर्ली आफ्टरनून, लेट्स गो हैव सम ब्रंच। या व्हाट हैपेंड, लेट्स गो। अच्छा आज जो है ना यहाँ पे गर्मी भी ऐसी लग रही है कि वाकई में सिर्फ लुक्स से ही मुझे ये दुबई नहीं लग रहा, मुझे अब गर्मी से भी दुबई लग रहा है। और वाकई में गर्म हवा चल रही है यहाँ पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे फेक हवा भी चलाई जा रही है दुबई को फील करवाने के लिए। बिल्कुल वैसी वाली हवा चल रही है गर्म गर्म जो दुबई में फील होती है। तो ये हमने एक रेस्टोरेंट डिसाइड किया ये देख के कि यहाँ पे काफ़ी रश था, बहुत से लोग आए हुए थे। तो हम यहाँ पे आए, काफ़ी अंदर से भी अच्छा बना हुआ था, डिसाइड कर रहे थे कि क्या मंगवाएं। इतनी भूख लग रही थी कि दिल कर रहा था सब मंगवा रहे, लेकिन हमने फिर मंगवाया वॉफल विथ फ्रूट्स सैंडविचेस, और एंड हमने एक बफलो चिकन भी मंगवाया था जो कि आई थिंक बफलो सॉस में कुछ बनी हुई थी जो कि बहुत टेस्टी थी। ओवरऑल फूड बहुत अच्छा था। वॉफल मुझे खा के लगा कि थोड़े से कम पॉइंट्स मैं दूंगी, लेकिन मुझे फिर बाद में क्रेविंग हो रही थी कि मुझे यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट मंगवा लेना चाहिए था इंस्टेड ऑफ वॉफल, क्योंकि वॉफल थोड़े से ज़्यादा क्रिस्पी थे जो कि मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। बट ओवरऑल फूड वॉज रियली टेस्टी, बहुत अच्छा लगा। आ चुके हैं खाना वाना खा के और अब देखते क्या करने वाले। तो हमने ब्रंच कर लिया है, काफ़ी अच्छा फूड था, बड़ा मज़ा आया, बातें की हमने, यू नो सिस्टर्स कैचअप हमने किया और अच्छा सा फूड इंजॉय किया, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जो लुक है वो बिल्कुल दुबई जैसा ही है, लेकिन आज अजीब बात ये है कि यहाँ की गर्मी भी बिल्कुल दुबई जैसी मुझे महसूस हो रही है। जैसे गर्म हवा चलती है ना दुबई में, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं मतलब मिनी दुबई यू नो यहाँ पे सिर्फ देखने नहीं आई थी बल्कि महसूस भी कर रही हूँ। तो ये वाकई में आई कैन से कि वाकई में ये मिनी दुबई है। सो इन्जॉय द व्यू। अब हम सोच रहे हम क्या करें, हमारा मेन ज़िंदगी का गोल ही ये है कि हम ज़िंदगी में खाना खाएं, खूबसूरत जगह और खाना खाएं। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट फॉर अस। तो अभी हम निकलने लगे हैं खाना खा के, तो अब हम सोच रहे क्या करें। आई वॉज थिंकिंग यहाँ कि हम कुछ पीने का सोचें, कुछ ठंडा भी है। ड्रिंक्स हमने वहाँ पे कुछ ऐसे खास ली नहीं थी, हमने सिर्फ एक मंगवाई थी ड्रिंक। कुछ अच्छा सा ठंडा का पीना है, चिल्ड, आई डोंट नो। तो हम सोच रहे हैं क्या करें, कुछ ड्रिंक क्या लें। सो लेट्स सी। अगर आप सब ये सोच रहे हैं कि मैं कैमरे के थ्रू मतलब मिरर के थ्रू क्यों व्लॉग्स कर रही हूँ और अपना फेस नहीं दिखा रही हूँ, तो ऑफकोर्स मैं फेस नहीं दिखाती हूँ और उसके बदले मैं जो है ना मास्क पहनती हूँ। लेकिन मैं निकल रही थी, मास्क लेके निकली थी लेकिन मास्क भूल गई घर पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों से सिर्फ बातें मिरर के थ्रू कर रही हूँ। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे टू टॉक टू यू गाइस। करने लगे हैं कुछ म्यूज़िक इन्जॉय, क्योंकि गाड़ी में बैठे हों, ड्राइव पे हों और म्यूज़िक ना सुने तो देर इज़ नो लाइफ। सो लेट्स इन्जॉय द म्यूज़िक एंड द व्यू।
मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी तो हम यहाँ पे आए हैं, क्या नाम है, मीट मी इन पेरिस में, और देखते हैं यहाँ पे कोई ड्रिंक वगैरह मिले, कुछ ठंडी ड्रिंक, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, और देखते हैं कुछ इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे बारिश जैसा मौसम शुरू हो चुका है, वाह, गर्मी से अचानक से स्विच हो गया वेदर मेरे को, वेदर स्विच। चलो जैसे होते हैं ना उस तरह के, हाँ हाँ। इस रेस्टोरेंट में जब हम आए तो इसकी वाइब बिल्कुल एमिली इन पेरिस वाली थी। एक सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे है, एमिली इन पेरिस, जो कि मैं बहुत शौक से मैंने देखी, तो ये रेस्टोरेंट की वाइब बहुत ज़्यादा उस जैसी थी। यू नो, ऐसा लग रहा था कि आप पेरिस में आ गए हैं किसी रेस्टोरेंट में। सो इट वॉज़ ब्यूटिफुल, अगैन इट्स अमेजिंग टू सी दैट पाकिस्तान हैव सच प्लेसेस। तो जब हम रेस्टोरेंट में जा रहे थे तब वेदर हो रहा था बारिश जैसा, उसके बाद जब हम ड्रिंक्स ले रहे थे तो बारिश, तेज़ बारिश शुरू हो गई, और उसके बाद का वेदर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत हो गया है। एक तो प्लेस इतनी खूबसूरत, ऊपर से थोड़ी थोड़ी गीली, तो मुझे बहुत पसंद है इस तरह, एंड वेदर भी बहुत अच्छा हो गया था। आई वॉज़ लविंग इट, बहुत मज़ा आया मुझे। बारिश फेक थी। फोटिंग होती होगी अफा पे, है ना? इतना खूबसूरत वेदर हो रहा है और मजा आ गया। बारिश, म्यूजिक, ड्राइव एंड ब्यूटिफुल प्लेस टू ईट एंड ड्रिंक, जिंदगी बन गई। अमेजिंग, आई हैड अ ग्रेट टाइम टुडे, इट वॉज ग्रेट टू बी हियर। एक अच्छी ड्रिंक विद सम म्यूजिक इन द कार एंड हैड सम गुड ब्रंच विद माई वेरी बैड कंपनी, बट इट्स फाइन, यू नो, इट्स वर्थ इट। यमी ड्रिंक के साथ अब हम करने लगे हैं ये व्लॉग का एंड, और आई हैड अ ग्रेट टाइम, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम मैं और मेरी सिस्टर बाहर निकले। कंपनी तो बस ठीक थी सिस्टर की, लेकिन एक खूबसूरत प्लेस पे, एक ब्यूटीफुल व्यू के साथ, और जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी होती है ना, नेचर, आई लव नेचर, और जहाँ पे खूबसूरती हो वहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आता है, और फिर अच्छा फूड मिल जाए, आई एम अ फूडी, खूबसूरत जगह हो, अच्छा खाना हो, अच्छी सी ड्रिंक हो, और कंपनी बस एवरेज सी हो, तो इंसान का दिल बन जाता है। तो आज का डे बहुत अमेजिंग गुजरा, और आई होप आपने भी मेरे व्लॉग्स को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ब्यूटीफुल वीडियोस। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।